एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना थर्ड व्लॉग। इससे पहले दो व्लॉग और मैं शेयर कर चुकी हूँ। एक है मार्वल वाटर पार्क इन उदयपुर और सेकंड वन है मेगा ट्रेड फेयर। दोनों के ही लिंक आपको मिल जाएंगे आई बटन पे, नहीं तो लास्ट की स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे दोनों। मैं यहाँ आप लोगों को लेकर आई हूँ उदयपुर के सेलिब्रेशन मॉल में, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आप लोग उदयपुर आए हैं, उदयपुर घूमने आए हैं, तो आप इस मॉल को ज़रूर से विज़िट कीजिए, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं। जैसे कि हर मॉल में होता है एक सिक्योरिटी वहाँ पे रहती है आपका, अभी कोविड के बाद से वो लोग फीवर वगैरह चेक करते हैं कि आपको फीवर तो नहीं, देन आपको एंट्री को दे देते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं मॉल के अंदर। मॉल की छत का इंटीरियर जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर गया गाइस। बहुत ही खूबसूरत इसकी छत का इंटीरियर, पूरा मॉल बहुत अच्छा है, बट छत का जो इंटीरियर है ना, वो उसमें चार चांद लगाता है, इस मॉल को खूबसूरत बनाता है। और इस तरह के मॉल आपको ज़्यादातर बाहर के कंट्रीज़ में देखने को मिलेंगे। हालांकि इंडिया में भी बहुत सारे मॉल्स हैं, बट ये बहुत अलग है, हटकर मॉल है। आप यहाँ आइए, आपको मज़ा आएगा। बहुत सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बच्चों के लिए खेलने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे रोबोट आप देख रहे हैं, एक बस मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बस आ रही है, ये इस तरह की बस है। टॉय ट्रेन्स वगैरह मिल जाएंगी। यहाँ पे किसी स्कूल के बच्चों का कंपटीशन हुआ था, जिन्होंने बहुत खूबसूरत सी ड्राइंग बना रखी थी, इसमें नेम वगैरह भी उन लोगों बच्चों के लिखे हुए थे। मॉल बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस तरह की छोटी छोटी स्टॉल्स भी आपको मिल जाएंगी, जो कि लोकल स्टॉल्स हैं। अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपने फूड कोर्ट एरिया में। यहाँ पे गाइज आपको मिलेगा PVR, जो कि है फोर्थ फ्लोर पे। फूड कोर्ट का जो एरिया दिया हुआ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और खाने की चीज़ें आपको यहाँ पे काफ़ी सारी मिलने वाली हैं। KFC आपको यहाँ मिल जाएगा, पिज़्ज़ा हट यहाँ आपको मिल जाएगा, डोमिनोज़ भी यहाँ आपको मिल जाएगा। मैकडोनल्ड यहाँ नहीं है, मैकडोनल्ड मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में, वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर खाने की आपको बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी। लोकल जो शॉप्स हैं वो भी आपको खाने की यहाँ पे लोकल शॉप्स भी आपको मिलेंगी। एक यहाँ पे बहुत फेमस सी चीज़ है, बड़ी बहुत बड़ी सी पानी पूरी देते हैं ये, और उसमें कुछ नमकीन वगैरह कुछ चीज़ें डाल कर देते हैं, वो हम लोग खा नहीं पाए, लेकिन अगर आप खाना चाहें तो वो खा सकते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ हमने KFC खा लिया था, इसलिए हम वो पानी पूरी ट्राई नहीं कर पाए। यहाँ पर आपको प्ले जोन एरिया भी मिल जाएगा। अभी प्ले जोन जो था बच्चों का बंद था, क्योंकि वहाँ पर कुछ काम चल रहा था, 3D का कुछ वो खोलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह की टॉय ट्रेन भी मिल जाएंगी। मिनीसो का शोरूम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मिनीसो एक जापानीज ब्रांड है, इसका एक छोटा सा व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ देखिए कुछ इस तरह की स्टॉल्स आपको मिलेंगी जो कि लोकल हैं, जहाँ पे आपको यहाँ बैंगल्स मिल जाएंगे, कड़े जो होते हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बच्चों के टॉयज़ मिल जाएंगे जो कि इम्पोर्टेड हैं, आई थिंक बाहर से लाए हुए टॉयज़ मिलेंगे। बैग्स मिल जाएंगे जूट के, जो कि लोकली बनाए हुए हैं किसी के, तो उन्होंने अपना स्टॉल यहाँ लगा रखा है गाइस। यहाँ पे आपको डेजर्ट भी मिल जाएगी, पेस्ट्री केक्स वगैरह चीज़ें यहाँ आपको सारी मिल जाएंगी। मैं थोड़ा दूर थी तो जूम करके मैंने लिया है, इसलिए क्लियर शायद नहीं आ रहा है, बट आपको यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ देखिए बच्चों की एक और स्टॉल थी, जहाँ पर बच्चों के स्टेशनरी का इम्पोर्टेड सामान यहाँ पर था, सारा इम्पोर्टेड सामान यहाँ था। प्राइस में ये नहीं कहूँगी कि रीज़नेबल थे इन स्टॉल्स पे, बट हाँ बहुत कॉस्टली भी नहीं थे। मैक्स का शोरूम इसमें आपको मिल जाएगा, मैक्स के कपड़े तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप लोगों ने मैक्स के कपड़ों को ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आपको डिस्काउंट बहुत ज़्यादा मिलता है, 50% तक का डिस्काउंट आपको इसमें बच्चों की टी शर्ट्स वगैरह पे मिल जाता है ईजीली। बड़ों के पे भी मिलता है, बट बच्चों के कपड़ों पर ज़्यादातर डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ अपने लिए कुछ, मैक्स के शोरूम में ही सोच रही थी कुछ टॉप वगैरह ले लूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ टॉप्स वगैरह की वैरायटी भी काफ़ी सारी थी, बट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए, इसलिए मैंने वहाँ से अपने लिए कुछ नहीं लिया, बच्चों के लिए ही मैंने ये लिया था। और जब भी हम कहीं जाते हैं तो मोस्टली बच्चों के लिए मैक्स से ही परचेज़ करते हैं, क्योंकि कपड़ों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, रीज़नेबल प्राइस में आपको ब्रांडेड क्वालिटी मिल जाती है। तो अब हम लोग मैक्स के शोरूम से निकलने वाले हैं, और हम पहुंच चुके हैं मैकडोनल्ड के पास। यहाँ मैकडोनल्ड के पास आपको मिल जाएंगे ब्यूटी के सारे ब्रांड्स, देखिए मेकअप के सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। नायका यहाँ आपको मिलेगा, कलर बार आपको यहाँ पर मिल जाएगा, रेवलॉन का जो स्टॉल है ना वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। काफ़ी सारे ब्रांड हैं, कपड़ों के ब्रांड आपको मिल जाएंगे, शूज़ के ब्रांड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मेकअप से रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए बैग्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो हर चीज़ इस मॉल में अवेलेबल है।
हम पहुंच चुके हैं मैकडोनल्ड के पास, क्योंकि अब हमारा यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका था। तो यहाँ से हमने बच्चों के लिए बर्गर पैक कराए हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।